हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सविता अपनी पैकिंग कर रही है जाने के लिए, और ये 15 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला कि कितने जल्दी बीत गए 15 दिन। वैसे 15 दिन काटना मुश्किल हो जाता है अकेले में, लेकिन आज अभी लग रहा है जैसे कि कल ही आई थी। और अब इतनी जल्दी जाने का, बिछड़ने का भी टाइम हो गया है, और अभी काम सारा ख़त्म हो गया था। काम पूरा A to Z काम मेरा ख़त्म किया है। सुबह 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे से लगी पड़ी है पूरा मेरा काम निपटाने में, और अब अपनी पैकिंग कर रही है। और यहाँ मैंने कहा चलो जाते जाते अब थोड़ा सा मेक ओवर सविता का भी कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी सविता की, और ये जो है फ्रंट कट ही, पहले तो बोल रही थी कि बस फ्रंट कट कर दो दीदी मेरा, फिर मैंने फिर पूरा ही लुक चेंज कर दिया। बहुत अच्छी कटिंग हुई थी, बहुत ही बढ़िया। और बाद में फिर टाइम ऐसा हो गया था ना कि इमोशनल हो गए थे, इस वजह से दिखा नहीं पाई मैं पूरा लुक। कह रही थी कि तैयार होके दिखाऊंगी, लेकिन तैयार हो के दिखाने के बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। बाद में फिर जाते हुए थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की है। बाकी इस बीच पहले श्रेया का रोना धोना स्टार्ट हुआ, फिर हम दोनों भी इमोशनल हो गए। ये क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि बिछड़ने का, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। बहुत मुश्किल होता है, जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है, और जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा। और ये तो है भी मुझसे ज़्यादा इमोशनल है, मैं इतनी इमोशनल नहीं होती जितनी ये हो जाती है। और मैंने बहुत अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैं हो रही थी, क्योंकि इतने दिन से घर भरा भरा हो रहा था। बच्चों की भी बहुत ही, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी। और शौर्य तो हर टाइम, मतलब बच्चे इतना प्यार करते हैं ना मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दोनों बच्चे। और सविता भी बहुत प्यार करती है, बस सविता में ये नहीं है कि दिखावा नहीं है, वो दिखावा नहीं कर सकती, जो है उसके मन में है। बाकी रियल रियल में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस इसके अंदर दिखावा नहीं है, थोड़ा लोगों की तरह नहीं है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, जो ये है वो ही है, रियल है जो है। और यहाँ पूरी मैंने कटिंग, ये फ्रंट वाली कटिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन बाद में फिर मेरे को लगा नहीं अब थोड़े ये, श्रेया भी बोल रही थी कि मम्मी लॉन्ग हैं थोड़े शॉर्ट करो, तो इसके बाद मैंने फिर थोड़ा शॉर्ट कट किया था इसका, पहले लॉन्ग कर दिया फिर उसके बाद शॉर्ट कट किया था, क्योंकि मैंने कहा चलो अभी बढ़ जाएगा, और आगे हमारे यहाँ जो शादियाँ भी हैं उसमें भी फिर इसको करानी नहीं पड़ेगी, तो अभी मैंने इतना शॉर्ट कर दिया था कि बाद में वो सेट हो जाता। Thank you.
देखिए अभी कटिंग कंप्लीट भी नहीं है और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए, और आज मेरी जो है कटिंग की सीजर मुझे मिली नहीं, तो मेरे को मजबूरन ये कपड़े काटने वाली सीजर से कटिंग करनी पड़ी। फर्स्ट टाइम ऐसे मैं कर रही हूँ, सीखने कोर्स करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस वाली कैंची से मैंने कटिंग की है, नहीं तो मैं अपनी कटिंग वाली कैंची से ही कटिंग करती हूँ। और ये आई अब बैक की बारी, तो मैंने कहा चलो पीछे से भी थोड़ी सी, ये तो राउंड ही बोल रही थी लेकिन मैंने लेयर में ही कट किया है, और एडवांस लेयर था ये जो मैंने इसका कट किया है, बहुत ही अच्छा कट हुआ था। और आप देख भी सकते हैं कि मैंने 12 दिन के अंदर डाइट पे, जो मैं डाइट ले रही हूँ उसी डाइट पे इसको डाला और पूरा 4-5 किलो कम करके तब भेजा है, तो 4-5 किलो वज़न कम हुआ था सविता का। और अभी प्रॉपर वही डाइट मैंने बोली है जो मैंने का ले यहाँ ले रही है, वही जाने के बाद वहाँ भी लोगे तो सही हो जाओगी। तो पहले इतनी नहीं थी सविता भी, बच्चों के होने के बाद भी बहुत पतली सी थी, कोई कह भी नहीं सकता था कि 2 बच्चे होंगे, लेकिन बीमारी की वजह से, और इसको भी थायराइड भी हो गया था और क्या नाम पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था, वो पथरियाँ हो गई थी, तो वो तब से फूलना स्टार्ट हो गया। काम तो इतना करती है कि जो मतलब बैठती नहीं है बंदी, बिल्कुल भी नहीं बैठती, सिर्फ 10-15 मिनट रेस्ट करती है दिन में, बाकी पूरा दिन काम में लगी रहती है, एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, ऐसे ही काम से काम निकालती रहती है। और मेरा भी इतना काम करके गई है, इतना मेरा काम निपटा के गई है कि मैं बता नहीं सकती, सुबह 5 बजे से, और ये चली ही गई लेकिन बैठी नहीं 2 मिनट के लिए भी, और फुर्सत नहीं मिली। और मैं बोलती भी थी बीच बीच में, मैंने कहा बैठ जा बहन, रेस्ट कर ले थोड़ी देर, गर्मी हो रही है, लेकिन नहीं, फिर मैं चली जाऊंगी, आपका ये रह जाएगा, आपको वो रह जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगी जितना रह जाएगा, कि नहीं नहीं मैं ये भी कर दूँगी वो भी कर दूँगी, फिर तो आपको करना ही है। मतलब आज, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे को, जब मैं सुबह उठी, उठ करके इतना अजीब लगा, खाली खाली सा पूरा, नहीं तो मुझसे पहले उठ जाती थी, और पूरा घर नीट एंड क्लीन, और नाश्ते वास्ते की सबकी तैयारी कर लेती थी, और मैं जब तक उठती थी पूजा वूजा सब हो जाती थी, उसके बाद फिर मैं पूजा करती थी। मतलब इतना मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि वाकई एक बहन ही सोच सकती है बहन के लिए, बाकी कोई नहीं सोच सकता। ये तो मैंने पहले भी पता था, वैसे तो बचपन से ही ऐसे ही करती है, बल्कि मैं थोड़ा कभी कभी रूढ़ हो जाती थी बचपन में, अभी तो नहीं, खैर अभी तो हमें पता है एक दूसरे की अहमियत, और दूर जाके ही पता होती है, दूर जाके ही होता है बहन भाइयों का, लेकिन जब तक पास रहते हैं लड़ते हैं भिड़ते हैं सब होता है, लेकिन दूर जाने के बाद ना फिर लगता है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, और कभी भी खलती है। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं तैयार हो रही है सविता जाने के लिए, और लुक भी आप थोड़ा सा चेंज देखेंगे। और यहाँ चलती है हमारी बहन जी, हेलो, ये देखो चेंज होके जा रही है सविता। डालती रहती हूँ, बड़े बड़े प्रवेश करती हूँ, मैं भी करती हूँ। Bye. Hey, bye. Okay.